पात्रा और आप देख रहे हैं न्यूज की सुपर 25 खबरें। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और खबरों में बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग सर्वोपरि होगा, तभी हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे। क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, हम ऐसे ही आगे भी बने रहना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इन दिनों एक महंगा मामला जान पड़ता है। इसलिए आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। सरायकेला में दिखा एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर। फोर लेन सड़क पर LPG गैस से लदा एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार मारी टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार महिला की घटनास्थल पर ही हुई मौत। झारखंड में महिलाओं के उत्पाद को मिल रही है अच्छी पहचान। सोन चिरैया ब्रांच के उत्पाद जल्द ही बाजार में होंगे उपलब्ध। शहरी आजीविका मिशन की पहल के तहत पहले चरण में रांची के प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा स्टॉल। फाइलेरिया के मरीजों की अब हर सप्ताह में 4 दिन किया जाएगा नाइट सर्वे। लाइलाज नहीं है बीमारी, समय पर पहचानने के बाद संभव है इलाज। मुख्यमंत्री आवास को घेरने निकली महिला रसोइयाओं को पुलिस ने मोराबादी मैदान में रोका। स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर निकली थी महिलाएं, बीच में ही प्रशासन ने रोका। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में गुरुवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंड देने के मामले में मांगा जवाब। रांची में सामने आए रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने रिम्स को दिया आदेश, कहा जांच एजेंसी को जल्द से जल्द उपलब्ध कराए संबंधित दस्तावेज। रांची के ट्रैफिक पोस्ट पर मनमाने ढंग से सिग्नल बत्ती का किया गया है समय निर्धारित। ट्रैफिक पोस्ट पर लाल बत्ती के बाद जलती है हरी लाइट, नगर आयुक्त के पास पहुंचा मामला। जन्माष्टमी तक ब्रह्म कुमारी संस्था मनाती रहेगी रक्षाबंधन। गुरु भाइयों की कलाई पर बहनों ने बांधी राखी। 30 अगस्त तक आगे भी चलता रहेगा रक्षाबंधन का त्यौहार। सेना में बहाली के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला शौकत अंसारी किया गया गिरफ्तार। विभिन्न राज्यों के युवकों से सेना में बहाली कराने के एवज में करोड़ रुपए की किया करता था ठगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने की अनोखी पहल। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए पुस्तक बैंक की शुरुआत। अब बच्चे पुस्तक के अभाव में अच्छे शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रहेंगे वंचित। 78,000 से अधिक किताब बच्चों के बीच किया वितरण। झारखंड के पलामू में एक पुड़िया हीरोइन के साथ एक युवक को मेदिनीनगर थाना क्षेत्र के सुदना जेल हाथवार ब्रिज के पास से पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। रेलवे ने बदले अंग्रेजों के जमाने के नियम और रिजर्वेशन फॉर्म भरते समय रखना होगा कई बातों का ध्यान। कैश कोड नहीं रहने पर ढूंढना पड़ेगा सीट। दुर्गा पूजा से पहले रेलवे कर्मचारियों पर होगी धन वर्षा। बोनस के साथ ही बकाया DA करेगा कर्मियों की जेब को भारी। राज्यसभा सदस्य समीर उराव ने कहा JNM कांग्रेस ने झारखंड की जनता को किया है गुमराह। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उराव का बयान, कहा झामुमो और कांग्रेस जनता को मिलकर न करे गुमराह। हेमंत सरकार से खुश नहीं है पूर्वी के विधायक सरयू राय, बोले रघुवर उड़ा रहे थे हाथी, वर्तमान सरकार उस पर बैठ कर दिख रही है मदमस्त। जमशेदपुर के व्यवसायी से 8 लाख की ठगी करने वाला मध्य प्रदेश से किया गया गिरफ्तार। ट्रांजिंग रिमांड पर लेकर पुलिस गुरुवार को पहुंची शहर। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर आक्रोशित नर्सों का MGM में दिखा हंगामा। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण स्थिति हुई इनकी नाजुक। 2 दिन के अंदर मांग मानने की दी चेतावनी। कोरोना के संकट में लोगों के लिए देवदूत बना आनंद मार्ग। अब तक 17,000 लोगों को कराया गया है भोजन। कोरोना काल से लगातार 16 महीने से गरीबों को खिलाया जा रहा है भोजन। झारखंड में नक्सलियों को मिला झटका। महाराज प्रामाणिक ने किया सरेंडर। 2 दिन पहले ही संगठन से किया गया था बाहर। मौत के डर से किया आत्मसमर्पण। 10 लाख का इनामी था महाराजा प्रामाणिक। गढ़वा में तालाब में पैर फिसल जाने के दौरान बह गया था एक युवक। 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव किया गया बरामद। लंबे समय के बाद कोल्हान से कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को प्रदेश कमेटी में प्रतिनिधित्व के रूप में किया गया शामिल। सांसद गीता कोड़ा को बनाया गया प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष। BIT मिश्रा में इसरो IISc से आए विशेषज्ञों ने दी अनुप्रयोगों और नीतियों में आधुनिक प्रगति पर जानकारी। विद्यार्थियों को मिला लाभ। कोडरमा में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। अग्निशमन विभाग के NOC के बिना ही चल रहा है स्कूल, अस्पताल व व्यवसायिक संस्थान।
रूपा तिर्की के मौत मामले में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। 31 तारीख को होगा फैसला। तो आज के लिए बस इतना ही। कल करेंगे खबरों के लिए। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 24। देखने जाने से पहले हर रोज़